हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय श्वेता। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है, इफ ए इंटू वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी इंटू बी इंटू वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन ए सी इंटू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी आर इन ए पी, प्रूव दैट ए बी सी आर इन ए पी। तो हमें गिवन है कि जो ये थ्री टर्म्स हैं आपके पास, ये एपी में है और हमें प्रूव करना है कि जो ए बी सी हैं वो भी क्या हो जाए, एपी में हो जाए। ठीक है, अगर हमें ये प्रूव करना है ए बी सी आर इन ए पी, तो इसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा? तीन नंबर्स एपी में तभी होंगे जब इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, यानी बी माइनस ए इक्वल होगा आपका सी माइनस बी के। ठीक है, अगर हम ये दिखा दें b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी आर इन ए पी। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम अपनी जो गिवन कंडीशन है कि जो ये थ्री टर्म्स आपको गिवन है, a इंटू वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी, b इंटू वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन ए, c इंटू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी आर इन ए पी, इसका यूज करते हैं। ठीक है, अगर ये थ्री टर्म्स भी एपी में हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस भी इक्वल होगा। ठीक है, यानी सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म आपके पास है बी इंटू वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन ए माइनस फर्स्ट टर्म जो कि है ए इंटू वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी, ये इक्वल होगी आपकी थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म की। ठीक है, तो थर्ड टर्म भी हम लिख देते हैं माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लिख लेंगे बी सी प्लस बी ए माइनस ए बी प्लस ए सी। ठीक है, इसको भी इस तरह से लिख लेंगे सी ए प्लस सी बी माइनस बी सी प्लस पी। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम ले लो, ए सी ये क्या बन जाएगा, ए बी प्लस बी सी माइनस यहाँ पे भी एलसीएम ले लो बी सी, तो ये बन जाएगा ए सी प्लस ए बी। यहाँ पर एलसीएम ले लो, यहाँ बन जाएगा ए बी और ये है सी बी प्लस ए सी माइनस यहाँ पर एलसीएम लो ए सी, ये बन जाएगा ए बी प्लस बी सी। क्लियर, इन दोनों टर्म को भी सॉल्व कर लो, यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा ए बी सी। क्लियर, तो जब डिवाइड करेंगे ए सी से तो बी बचेगी, बी बचेगा तो हम लिखेंगे बी इंटू ए बी प्लस बी सी माइनस यहां से ए बचेगा, बी सी को जब डिवाइड करेंगे तो ए बचेगा, ए इंटू ए सी प्लस ए बी। क्लियर, इज इक्वल टू यहां पर भी हम एलसीएम ले लेंगे ए बी सी से। ठीक है, तो ए बी से डिवाइड करेंगे तो सी बचेगा, यानी सी इंटू सी बी प्लस ए सी माइनस यहां से बी बचेगा, ए बी प्लस बी सी। क्लियर, तो ए बी सी कैंसिल हो जाएंगे, इसे हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या बनेगा, ए बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर सी माइनस ए स्क्वेयर सी फिर माइनस ए स्क्वेयर बी। ठीक है, इज इक्वल टू यहां से बचेगा सी स्क्वेयर बी प्लस ए सी स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर सी। क्लियर है इतना, अब हम क्या करते हैं, ए बी स्क्वेयर और माइनस ए स्क्वेयर बी को इकट्ठा कर लेते हैं और यहां से बी स्क्वेयर सी माइनस ए स्क्वेयर सी को इकट्ठा लिख लेते हैं। ठीक है, यहां से भी सी स्क्वेयर बी और माइनस बी स्क्वेयर सी को इकट्ठा लिख लेते हैं और इन्हें बीच वाले टर्म को इकट्ठा, ये हमने इसलिए लिख
यहां से तो देखो हमारी फर्स्ट टू टर्म से ए बी कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। ए बी अगर कॉमन निकला तो यहाँ पे बी लेफ्ट रह गया, यहां से बी लेफ्ट रह गया और यहां से माइनस ए लेफ्ट रह गया, ठीक है। प्लस यहां से आपका सी कॉमन निकल जाएगा और यहां रहेगा बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ठीक है। और यहां से हम निकाल लेते हैं सी बी कॉमन, ठीक है। तो यहां रह जाएगा सी माइनस बी और यहां से ए कॉमन निकल जाएगा तो बनेगा सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो अब आपको बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का फॉर्मूला पता है, ये टर्म एज इट इज प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला होता है बी माइनस ए बी प्लस ए, ठीक है। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला आपको पता है ना, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो वो हमने लगा दिया, यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे, ये एज इट इज टर्म और इसका फॉर्मूला लगा देंगे सी माइनस बी सी प्लस बी, ठीक है। अब बी माइनस ए कॉमन निकल जाएगा, यहां से बी माइनस ए कॉमन निकाल लिया, यहां से तो आपका बचा ए बी और यहां से बचेगा सी इंटू बी प्लस ए, ठीक है। तो हम उसे मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा सी बी प्लस सी ए, क्लियर। और यहां से भी आप इसी तरह से सी माइनस बी कॉमन निकाल लो, यहां पे तो लेफ्ट रह गया सी बी प्लस, यहां पे लेफ्ट रह गया ए इंटू सी प्लस बी, ठीक है। उसे मैं मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ ए सी प्लस ए बी, ठीक है। अब चेक करो ये टर्म आपकी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यहां पर भी है, लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है। देखो ए बी ये टर्म प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, तीनों टर्म है, यहां पर भी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो ये आपका कैंसल हो जाएगा, कैंसल हो गया, तो क्या बचा यहां से, यहां पे बचा बी माइनस ए और यहां बचा सी माइनस बी, यही दिखाना था हमें ऊपर, देखो। तो हम लिख सकते हैं देयर फोर ए बी सी आर इन ए पी, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका एपी में तीनों नंबर बन गए, हमने दिखा दिया बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, तो ये तीनों नंबर आपके एपी में है, क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा गया है, इफ ए बी सी डी आर इन जी पी प्रूव दैट ए एन प्लस बी एन प्लस सी एन प्लस डी एन आर इन जी पी। हमें गिवन है कि ए बी सी डी क्या है, ये चार नंबर जीपी में है, ठीक है। और हमें प्रूव करना है कि जो ये थ्री नंबर्स हैं ये भी क्या हो जाएं, जीपी में आ जाएं, ठीक है। तो जो गिवन है उसका यूज करेंगे, अगर ये चार नंबर जीपी में हैं तो इनकी जो कॉमन रेशियो होगी यानी बी अपॉन ए इक्वल होगी सी अपॉन बी के और ये इक्वल होगा डी अपॉन सी के, ठीक है। तो यहां से हम पहले फर्स्ट टू को कंपेयर कर लेते हैं, फर्स्ट टू को कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी, इसे हम फर्स्ट नाम दे देते हैं, ठीक है। फिर हम सेकेंड और थर्ड को कंपेयर कर लेते हैं तो वहां से आ जाएगा सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी, इसे हम सेकेंड नाम दे देते हैं। फिर हम फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर कर लेते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड को जब कंपेयर करेंगे तो बी सी आ जाएगा इक्वल ए डी के, ठीक है। तो जो गिवन था हमें, गिवन कंडीशन से हमें ये तीन इक्वेशंस मिल गई, हमें अब इनका यूज करके हमें दिखाना है कि जो ये थ्री नंबर्स हैं ये क्या हो जाएं, जीपी में हो जाएं, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए एन प्लस बी एन प्लस सी एन प्लस डी एन आर इन जीपी। अगर इनको हमें जीपी में दिखाना है तो इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव कि बी एन प्लस सी एन का होल स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाए,
एन प्लस बी एन इंटू सी एन प्लस डी एन के, हमें यही प्रूव करना है, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है ए बी सी आर इन जी पी वेन बी स्क्वेयर इक्वल हो जाए ए सी के, तभी हम कहते हैं कि ये जीपी में है, ठीक है, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, यही आता है ना, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो अगर तीन नंबर जीपी में हैं तो उनकी कॉमन रेशियो इक्वल होगी, यानी बी अपॉन ए इक्वल होगा सी अपॉन बी के, तो वहां से हमें क्या मिल रहा है, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी। तो ये प्रूव करने के लिए अब हम क्या करते हैं, हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड सपोज कर लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने सपोज की बी एन इंटू सी एन का होल स्क्वेयर, तो इसको हम राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा देंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वेयर का, ठीक है, तो ये बन जाएगा बी एन का होल स्क्वेयर प्लस सी एन का होल स्क्वेयर प्लस टू टाइम्स बी एन सी एन। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वेयर को अंदर लिख लिया और एन को बाहर लिख लिया, ठीक है, क्योंकि ये क्या बनेगा आपके पास, बी एन पावर टू, ये क्या होता है बी टू एन, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं बी टू की पावर एन, इसको भी ऐसे लिख लेंगे सी स्क्वेयर की पावर एन प्लस टू, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर बी स्क्वेयर में ए सी डाल देंगे और सी स्क्वेयर में वैल्यू बी डी डाल देंगे, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये आपके इक्वल आ जाएगा ए सी की पावर एन प्लस सी स्क्वेयर बन जाएगा बी डी की पावर एन, ठीक है, प्लस टू टाइम्स बी एन सी एन, ठीक है, इसको हम कैसे लिख लेंगे, ए की पावर एन सी की पावर एन प्लस टू, इसको हम लिख लेंगे बी की पावर एन डी की पावर एन, ठीक है, प्लस इसको टू टाइम्स बी एन सी एन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी की पावर एन सी की पावर एन प्लस बी की पावर एन सी की पावर एन लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ए की पावर एन सी की पावर एन प्लस इस टर्म को इसके साथ कंबाइन कर लेंगे, ठीक है, प्लस और यहाँ पर बी की पावर एन डी की पावर एन प्लस बी की पावर एन सी की पावर एन लिख लेंगे, ठीक है। अब हम बी सी की वैल्यू ए डी डाल देंगे, ठीक है, यहाँ पर हम बी सी की वैल्यू ए डी डाल देंगे, फ्रॉम थर्ड, ये आपका क्या बन जाएगा, यहां से हम सी एन कॉमन निकाल लेते हैं फर्स्ट टू टर्म से, ये बनेगा ए एन प्लस बी एन, ठीक है, यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन से बी सी की जगह डाल देंगे ए डी, तो ये बन जाएगा ए एन डी एन, ठीक है, तो यहां से भी हम डी एन कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर भी बनेगा ए एन प्लस बी एन, ठीक है। अब यहां से ए एन बी एन दोनों से कॉमन निकल जाएगा दोनों में से, तो ए एन बी एन और यहाँ पे रह गया सी एन प्लस डी एन, ठीक है, यही आपकी राइट हैंड साइड है, क्लियर। तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा दी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है, इफ ए एंड बी आर दी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सी एंड डी आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए बी एंड सी डी फॉर्म ए जी पी, प्रूव दैट क्यू प्लस पी की रेशियो क्यू माइनस पी के साथ किसके इक्वल हो जाए, 17/15, ठीक है। तो जो जो गिवन है हम उसका यूज करते हैं, फर्स्ट हमारे पास गिवन है ए एंड बी रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको गिवन है तो आपको पता है सम ऑफ द रूट्स
किसके इक्वल होते हैं? अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लें, ax² + bx + c इज इक्वल टू जीरो, और इसके रूट्स अगर मैं q एंड r सपोज कर लेती हूँ, तो सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल आते हैं? -b/a के, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके इक्वल होता है? c/a के। तो ये आप बेसिक पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ द रूट यानी a+b किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के, ठीक है। यहां पर b की वैल्यू क्या है? -3, और a की वैल्यू क्या है? 1, c की वैल्यू क्या है? p। क्लियर? तो इस इक्वेशन को हमने कंपेयर किया इसके साथ, इस इक्वेशन के साथ, ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। रूट्स हमारे पास यहाँ पर ए एंड बी हैं, ठीक है। तो हमने सम ऑफ दी रूट्स की वैल्यू लिख ली और प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स की, वो क्या आएगा? पी आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको ये मिल गया, तो इन्हें हम फर्स्ट नाम दे देते, ठीक है। अब और आपको क्या गिवन है? एंड सी एंड डी आर दी रूट्स ऑफ x² - 12x + q इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से भी आपके पास सम ऑफ दी रूट अब निकालेंगे तो वो 12 के इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ दी रूट निकालेंगे तो वो क्यू के इक्वल आएगा। तो इसे हम नाम दे देते हैं सेकंड। क्लियर है? और आपको क्या गिवन है? और आपको गिवन है कि ए बी सी डी फॉर्म ए जीपी। तो अगर ये जीपी फॉर्म कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं? ए को सपोज कर लेते हैं एक्स, ठीक है। बी को सपोज कर लेते हैं xr, ठीक है। सी को सपोज कर लेते हैं xr² और डी को सपोज कर लेते हैं xr³, ठीक है। वैसे हमारे पास टर्म इसी फॉर्म की होती है जीपी की, a, ar² तो हमने यहाँ पर a को इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर a जो है वो रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, तो हमने क्या कर लिया? यहाँ पर एक्स सपोज कर लिया, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को हमने एक्स सपोज कर लिया, सेकेंड टर्म को हमने एक्स आर सपोज कर लिया, थर्ड टर्म को xr² और फोर्थ टर्म को xr³। क्लियर है? तो अब हम क्या करते हैं, हम इनकी वैल्यू अपनी फर्स्ट और सेकेंड में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट आपके पास a+b = 3 है, तो a की वैल्यू हम क्या डाल देते हैं? x, प्लस बी की वैल्यू हमने डाल दी xr, तो इक्वल हो जाएगा 3 के। यहां से हमारा क्या बनेगा? x कॉमन निकाल लो तो 1 + r = 3 बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये आ गया, और ab = p है, तो a की वैल्यू हम डाल देंगे x और b की वैल्यू है xr, तो यानी वो बन जाएगा x²r = p, ठीक है। यहां से ये आ गया। अब फ्रॉम सेकेंड हम सी और डी की वैल्यू डाल देंगे। सी की वैल्यू क्या है? xr² + और डी की वैल्यू क्या है? xr³, ठीक है, = 12। यहां से हम xr² कॉमन निकाल लेते हैं, ये बना 1 + r = 12, ठीक है। और सी डी की वैल्यू यहाँ पे भी डाल देंगे, सी डी इज इक्वल टू क्यू है, तो सी की वैल्यू है xr², डी की वैल्यू है xr³ = q, ये बन जाएगा x²r⁵ = q, ठीक है। इतना किया। अब आप देखो यहां से हमें क्या मिल रहा है, x(1+r) = 3, और यहां से क्या मिल रहा है? xr² * 1 + r = 12, ठीक है। अगर हम इन्हें डिवाइड कर दें तो यहां से हमें r की वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। तो
तो हम क्या करते हैं, इसे नाम दे देते हैं, इसे थर्ड नाम दे देते हैं और इसे फोर्थ नाम दे देते हैं, ठीक है, इसे फिफ्थ नाम दे देते हैं और इसे सिक्स्थ नाम दे देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन फोर बाय इक्वेशन थर्ड, तो आपका क्या बनेगा, देखो, एक्स आर स्क्वेयर इंटू वन प्लस आर अपॉन एक्स इंटू वन प्लस आर, और यहाँ पे आ जाएगा 12/3, तो यहां से एक्स भी कैंसल, 1 + r भी कैंसल, और ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिल गया, आर स्क्वायर मिल गया 4, यानी r की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, +-2, ठीक है। जब r की वैल्यू आपको मिल गई, r की वैल्यू एक बार हम 2 सपोज कर लेते हैं और एक बार -2 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। जब हमें r की वैल्यू मिल गई तो हम इक्वेशन थर्ड से x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी, यहां से मिलेगी आर की, जब टू पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू यहां से हमें 1 मिलेगी, ठीक है। जब आर की -2 पुट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड -3 मिलेगी, ठीक है। तो अब हमारे पास दो केस बन गए। केस फर्स्ट में हमारे पास r की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 1 है, ठीक है, और केस सेकंड में हमारे पास r की वैल्यू -2 है और x की वैल्यू -3 है, ठीक है। हमें प्रूव करना है q प्लस p की जो रेशियो है, q माइनस पी, वो आ जाए 17/15, ठीक है। तो हम इसे कंसीडर कर लेते हैं q प्लस पी अपॉन q माइनस पी को, तो q और p की वैल्यू हमारे पास है फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स से, तो हम वो वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो यहां से बनेगा केस वन में, ये बनेगा q की वैल्यू है आपके पास एक्स स्क्वेयर आर 5 प्लस पी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर आर, ठीक है, अपॉन ये क्या है एक्स स्क्वायर आर 5 माइनस एक्स स्क्वायर आर, ये मैं आपको केस वन बता रही हूं, ठीक है। तो यहां से आप वैल्यू डाल दो एक्स की और आर की, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 1 है तो 1 आ जाएगा, आर की वैल्यू 5 2 है तो 2 की पावर 5 बन जाएगा, ठीक है, प्लस 1 x की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 2 अपॉन, यहाँ पे भी आएगा 2 की पावर 5 माइनस 2, ठीक है, 2 की पावर 5 होता है 32 प्लस 2 अपॉन, ये होएगा 32 माइनस 2, तो ये बनेगा 34 अपॉन 30, यानी 17/15 ही आएगा ये, ठीक है। तो केस वन से भी हमने प्रूव कर दिया कि जो q प्लस पी अपॉन q माइनस पी की रेशियो है वो 17/15 आ रही है। अब केस टू से भी हम ये दिखा देते हैं, केस टू में भी हम कंसीडर करेंगे q प्लस पी अपॉन q माइनस पी, q की वैल्यू डाल देंगे वो है एक्स स्क्वेयर आर 5 प्लस पी की वैल्यू एक्स स्क्वेयर आर अपॉन एक्स स्क्वेयर आर 5 माइनस एक्स स्क्वेयर आर, तो यहाँ पे भी वैल्यू डाल देंगे, यहां पर x की वैल्यू है -3 तो -3 का स्क्वेयर और r की वैल्यू है -2, -2 की पावर 5 प्लस x की वैल्यू है -3, -3 की पावर स्क्वेयर और r की वैल्यू -2, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेशन करके देखना, यहाँ पर थोड़ा सी जगह कम रह गई है तो मैं फिर भी लिख रही हूं, बट आप कैलकुलेशन करके देखना, कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी रेशियो यही आएगी 17/15, ठीक है। तो यहां पर भी हम वैल्यू डालते हैं, ये हो जाएगी एक्स की वैल्यू -3 की पावर 2 और आर की वैल्यू डाल दो -2 की पावर 5 माइनस -3 की पावर 2 और आर की वैल्यू -2, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं,
थ्री की पावर स्क्वेयर माइनस थ्री की पावर करेंगे तो नाइन आएगा, ठीक है, नाइन इंटू टू की पावर फाइव करेंगे तो माइनस थर्टी टू आएगा, ठीक है, तो मैं माइनस आगे लगा देती हूँ, ठीक है, यहां से वी माइनस में आएगा थ्री की पावर टू प्लस नाइन, नाइन इंटू टू एटीन, माइनस एटीन, ठीक है, नीचे भी यही टर्म आएगी, नाइन माइनस नाइन इंटू थर्टी टू, ठीक है, और प्लस एटीन हो जाएगा ये, अब प्लस एटीन, तो आप इसकी कैलकुलेशन करके देखना, ये आपको 17/15 ही मिलेगा, 17/15, यहां से भी आपको रेशियो यही मिलेगी, क्लियर है। तो हमें यही प्रूव करना था कि q प्लस पी की रेशियो q माइनस पी के साथ क्या आ जाए, 17/15। तो दो केस बने हमारे पास, दोनों केस से हमने q प्लस पी अपॉन q माइनस पी की रेशियो 17/15 दिखा दी, क्लियर। तो हमने यूज क्या किया, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ आपको, हमारे पास a और b रूट्स थे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, जब रूट्स गिवन होते हैं तो उसका हम सम ऑफ दी रूट्स भी लिख सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स भी लिख सकते हैं, और फिर इसी तरह से cd भी रूट्स थे अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो वहां से भी हमने सम ऑफ दी रूट्स लिख दिए और प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पर जो ए बी सी डी रूट्स हैं वो जीपी में है, तो हमने उनको सपोज कर लिया, उनकी वैल्यू जीपी में ये वैल्यू होती है उनकी, तो यहाँ पर a के साथ हम कंफ्यूज ना हो जाएं, तो हमने यहाँ पर x सपोज कर लिया फर्स्ट टर्म को, ठीक है, तो ए एक्स आ गया, बी एक्स आर आ गया, c की वैल्यू एक्स आर स्क्वायर और d की वैल्यू एक्स आर क्यूब आ गई। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये वैल्यूज ए बी सी डी की जो वैल्यू हमने सपोज की है तो इनकी वैल्यू यहाँ पर डाल दी, यहाँ पर डाल के हमने x और r की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, x और r की वैल्यू से हमें दो केस मिले, क्योंकि r की हमें दो वैल्यूज मिली थी तो हमारे केस भी दो बन गए, ठीक है। तो हमने केस वन में p प्लस क्यू की और p माइनस क्यू को कंसीडर किया, फिर उसकी रेशियो हमने दिखा दी 17/15। इस तरह से केस सेकंड में भी हमने कंसीडर किया p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, तो उसकी रेशियो भी हमने 17/15 दिखा, क्लियर है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या पूछा गया है, द रेशियो ऑफ द अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इज एम बाय एन। हमें शो करना है जो ए और बी है वो इस फॉर्म में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 9.4 में आई थिंक करके भी आए हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेम उसके जैसा ही है। तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे दो नंबर, लेट ए एंड बी बी टू नंबर्स, ठीक है, तो दो नंबर्स का हमें अर्थमेटिक मीन पता है क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी बाय, ठीक है, और जियोमेट्रिक मीन भी हमें पता है दो नंबर्स का, वो क्या होता है, अंडर रूट ए बी, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है, अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन की जो रेशियो है वो इक्वल है एम बाय एन के, तो हम अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन की वैल्यू डाल देते हैं। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू है ए प्लस बी बाय टू और जियोमेट्रिक मीन की वैल्यू है अंडर रूट ए बी, ठीक है, तो ये बन जाएगा इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, अंडर रूट हटा लेते हैं, अंडर रूट हटाने के लिए हमें स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, तो वी गेट ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, नीचे स्क्वेयर करेंगे तो ये बन जाएगा 4ab और यहां से बन जाएगा m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की हम क्या वैल्यू निकाल लेंगे, 4ab m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है, तो हमें ये वैल्यू मिल गई। यहां से अगर हम a प्लस बी की वैल्यू निकालें तो वो हम क्या लेंगे, अंडर रूट 4ab m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस आता है तो, बट हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करेंगे,
यहां से हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा टू अंडर रूट ए बी, ठीक है, एम अपॉन एन, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। हमने क्या दिखाना है, हमने प्रूव करना है कि ए और बी की वैल्यू इस फॉर्म की आ जाए। तो मैंने वहां पर भी आपको बताया था, जब हमें ए प्लस बी में एक इक्वेशन मिल गई, अगर हमें ए माइनस बी में एक इक्वेशन मिल जाए समथिंग, ए माइनस बी इज इक्वल टू समथिंग, तो दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम अपनी ए और बी की वैल्यू दिखा सकते हैं। तो ये दिखाने के लिए, ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, मैंने आपको बताया था कि आपको एक आइडेंटिटी याद रखनी है, जो कि है ए प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ab। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, ठीक है। इस आइडेंटिटी का यूज करके हम अपनी ए माइनस बी के होल स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस 4ab, और इस टर्म को हम राइट हैंड साइड पे ले जाते, ठीक है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वेयर की वैल्यू हमें पता है, 4ab एम स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर माइनस 4ab, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, 4ab हमने कॉमन निकाल लिया, यहां से एम स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर माइनस 1, ठीक है। तो क्या वैल्यू मिल जाएगी हमें, 4ab एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर, ठीक है। तो हम ए माइनस बी की वैल्यू भी निकाल लेंगे, वो भी हम पॉजिटिव में लेंगे, तो ये बन जाएगा टू अंडर रूट ए बी अंडर रूट एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर अपॉन में एन, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें मिल गई, इसे हमने फर्स्ट बोला, इसे हमने सेकंड बोला। अब दो इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से हमें 2a मिलेगा, और राइट हैंड साइड में हम इसे ऐड कर देते हैं, टू अंडर रूट ए बी एम अपॉन एन प्लस टू अंडर रूट ए बी एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर अपॉन एन। तो यहां से टू अंडर रूट ए बी अपॉन एन कॉमन निकल जाएगा, यहां से आपका एम बचा और यहां से एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर बचा, ठीक है। तो 2a की वैल्यू ये है, तो यहां से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a की आपको ये वैल्यू मिलेगी। a की क्या वैल्यू मिली, अंडर रूट ए बी अपॉन एन एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर, ये वैल्यू मिली एक, ठीक है। जब आपको a की वैल्यू मिल गई, तो आप या तो इक्वेशन फर्स्ट में ए की वैल्यू पुट करके बी की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, नहीं तो दूसरी आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को। तो वो इजी रहेगा कि हम इक्वेशन फर्स्ट में ए की वैल्यू पुट कर दें, तो हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। इन इक्वेशन वन, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहां से बी की वैल्यू निकाल रही हूं, ये बन जाएगा टू अंडर रूट ए बी एम अपॉन एन, उधर ले जाके माइनस ए बन जाएगा, तो ए की वैल्यू हम यहां पर डाल देते हैं, ए बी अपॉन एन एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर, ठीक है। तो यहां से भी आप कॉमन निकाल लो, अंडर रूट ए बी एन टू एम माइनस, ठीक है, टू एम माइनस अंडर रूट एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर, ये बना। तो यहां से टू एम माइनस एम क्या आएगा, एम आएगा, तो हम इसे हटा के एम लिख लेते हैं, ठीक है। इसे अब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये बी की वैल्यू मिल गई। तो अगर आप अब रेशियो निकालें, ए अपॉन बी करें, तो ए की वैल्यू हम डालेंगे ए बी अपॉन एन, ए की वैल्यू है एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर, और बी की वैल्यू जब अगर आप डालें तो वो भी क्या है, ए बी अपॉन एन एम माइनस अंडर रूट एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर,
ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी जो है वो आपका इसी फॉर्म में आ रहा है जो हमने प्रूव करना था, एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। क्लियर? तो जो जो आपके पास गिवन था उसका यूज किया हमने, यूज करने के बाद हमने ए प्लस बी में तो हमें वैल्यू मिल गई थी, तो आपको बस ये आइडेंटिटी याद रखनी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो यहां से आपको a माइनस बी की वैल्यू मिल जाएगी, तो दो इक्वेशन आप इजिली सॉल्व करके a एंड b की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20th में आपसे क्या पूछा गया है, इफ ए बी सी आर इन ए पी, बी सी डी आर इन जी पी एंड 1/c, 1/d, 1/e आर इन ए पी, प्रूव दैट ए सी ई आर इन जी पी। ठीक है, तो हमारे पास गिवन है सबसे पहले कि ए बी सी आर इन ए पी। ठीक है, ये अगर एपी में है तो इनका जो डिफरेंस है यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल होगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के। ठीक है, तो यहां पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या बन जाएगा, b को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो b प्लस बी बन जाएगा और c a को राइट हैंड साइड पे ले आए तो ये बन जाएगा 2b इज इक्वल टू c प्लस a, इसे हमने फर्स्ट नाम दे दिया। ठीक है, अब हमारे पास गिवन है बी सी डी आर इन जी पी, अगर ये जीपी में है तो यानी सी स्क्वेयर इक्वल होगा बी डी के। ठीक है, तो इसे हमने सेकेंड नाम दे दिया। और क्या गिवन है आपको, 1/c, 1/d, 1/e आर इन एपी, अगर ये एपी में है तो सेम वही कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो 1/d माइनस 1/c इक्वल होगा 1/e माइनस 1/d के। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से भी हम ऐसे करेंगे, 1/d जो यहाँ राइट हैंड साइड पे है उसको हम ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो प्लस में बन जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1/e प्लस 1/c, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा सॉल्व करके, 2/d इज इक्वल टू 1/e प्लस 1/c, इसे हम थर्ड नाम दे देते हैं। क्लियर है इतना? हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव कि ए सी ई जो है वो क्या हो आर इन जी पी में। तो ये प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा, वी हैव टू प्रूव कि जो सी स्क्वेयर है वो इक्वल हो जाए ए ई के। तो अब हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड को यूज करके हमें दिखाना है कि जो सी स्क्वेयर है वो ए ई हो जाए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अब हम इक्वेशन थर्ड को कंसीडर कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड 1/e प्लस 1/c। ठीक है, तो यहां पर हम पहले d को रिमूव कर लेते हैं, d की वैल्यू डाल देते हैं। अगर हम सेकेंड इक्वेशन का यूज करें तो वहां से हमें d की वैल्यू मिल जाएगी, d की वैल्यू हमें मिलेगी सी स्क्वेयर अपॉन डी। ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड डी इज इक्वल टू सी स्क्वेयर अपॉन डी, तो वो हम पुट कर देंगे यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा 2/c² d इज इक्वल टू 1/e प्लस 1/c, और यहां से क्या बन जाएगा, ये 2b बन जाएगा, 2b² इज इक्वल टू 1/e प्लस 1/c, इतना आया। अब हम b की वैल्यू भी डाल सकते हैं, b की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से अगर देखें तो b की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, c प्लस a अपॉन 2 मिल रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम
इक्वेशन वन बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाय टू, तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं बी की, ये बन जाएगा ए प्लस सी बाय टू अपॉन सी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन अपॉन ई प्लस वन अपॉन सी, टू से टू कैंसल, तो आपको क्या मिल रहा है, यहां से मिल रहा है ए प्लस सी अपॉन सी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन अपॉन ई प्लस वन अपॉन सी, ठीक है। तो इसको एज इट इज लिखो, यहां से हम एलसीएम ले लेते हैं ई सी, तो ये बन जाएगा सी प्लस ई, सी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा ए प्लस सी अपॉन सी इज इक्वल टू सी प्लस ई अपॉन ई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा ए प्लस सी इंटू ई इज इक्वल टू सी प्लस ई इंटू सी, तो ये बन जाएगा ए ई प्लस सी ई, और ये बन गया सी स्क्वेयर प्लस सी ई, तो सी ई सी ई कैंसल, यहां से आपको मिल गया सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए ई, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, यही प्रूव करना था ना हमें, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए ई, तो हम लिख देंगे हेंस ए सी ई आर इन जी पी, क्लियर है। तो हमारे पास जो जो गिवन था, पहले हमारे पास ए बी सी गिवन था आर इन ए पी, तो वहां से हमने रिलेशन निकाल लिया बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाय टू, फिर हमें गिवन था बी सी डी आर इन जी पी, तो वहां से हमने ये रिलेशन निकाल लिया, ठीक है। फिर वन अपॉन सी वन अपॉन डी वन अपॉन ई क्या है, वो एपी में है, तो हमने ये रिलेशन निकाल लिया। तो हमें जो प्रूव करना है उसको देखा हमने, तो इक्वेशन थर्ड का यूज करके, इक्वेशन थर्ड को हमने पहले कंसीडर किया, वहां पे हमने पहले डी की वैल्यू डाली, फिर हमने डी की वैल्यू डाल दी, सॉल्व करके हमने दिखा दिया कि जो ये ए सी ई है वो क्या है आर एन जी, क्लियर है। तो आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ यू लाइक माई वीडियो प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।